सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल में बारिश के वजह से आज नहीं हो पाया सीमांकन, अगली तारीख में होगा सीमांकन। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड अंतर्गत हुलसम पंचायत के चिली खुर्द गांव में पहाड़ लीज के विरोध को लेकर चर्चा में आए आदिवासियों ने आज भी सीमांकन के तय दिन पर पूरे दिन पहाड़ तक जाने वाली सड़क को जाम करके रखा, लेकिन आज सीमांकन के लिए अंचल अधिकारी स्थल पर नहीं पहुंच पाए। मामले पर जानकारी देते हुए उक्त भूमि के चौहरीदार मुकेश सिंह ने कहा कि अंचल अधिकारी आज तेज बारिश को लेकर सीमांकन करने नहीं पहुंचे, अब इसके लिए अगले तारीख और समय तय किया जाएगा। साथ ही लीज माइंस के एक और पार्टनर अशोक सिंह ने इसका विरोध कर अपनी बातें रखते हुए बताई कि कृपया लोग उन्हें राक्षस ना समझे जो गरीबों की लाश पर अपना घर खड़ा कर लेंगे, आपसी सामंजस्य से ही कार्य की शुरुआत की जाएगी। लीज भूमि के आसपास पूजा स्थल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, यदि ग्रामीण की राय है तो देवी मंडप को पक्का भवन में तब्दील किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 3 एकड़ जमीन से ग्रामीणों का नुकसान है तो पीछे हटकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। वहीं अशोक सिंह ने प्रशासन से मांग की कि संबंधित पदाधिकारी कुछ बीच का रास्ता निकाले या तो रद्द करे, नहीं तो बिना कार्य किए जो दंड वसूले जा रहे हैं तो इस तरह से वो सड़क पर आ जाएंगे। माइंस चालू हो जाने से ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन की भी बातें उन्होंने कही। फर्जी ग्राम सभा की उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद बतलाया, कहा कि ग्राम सभा में किए हस्ताक्षर को दोबारा वीडियो के द्वारा सत्यापित भी किया गया और अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर को सही पाया गया। वहीं पंचायत के मुखिया का भी सत्यापन है, अब लोग बदल रहे हैं। बता दें कि कल हमारे खबरों को लिंक के माध्यम से ट्विटर के द्वारा इस मामले की जानकारी होने पर झारखंड पुलिस के ट्विटर हैंडल से उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक पलामू को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। छतरपुर से निरंजन सिन्हा की रिपोर्ट। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सिंह। चिल्हो खुर्द वाले में आपका क्या है, आप भी उसमें पार्टनर में? मैं ही फर्स्ट पार्टी हूँ उसमें पार्टनर। फर्स्ट पार्टी, तो जैसा कि इसमें है जानकारी 2016 से इस माइंस का प्रोसेस चालू था, तो क्यों रुका रहा है 3 साल तक उसके बारे में? जब हम लोग माइंस कराएं सभी ग्राम सभा ये सब सही हुआ है, उसमें सब सिग्नेचर सही है, मुखिया का भी साइन है उसमें, मोहर है रजिस्टर में मुखिया का, वीडियो का काउंटर साइन है उसमें, DFO रिपोर्ट ये सब जब हो गया लीज, तो हम लोग जब साइट पर गए रिमार्किंग के लिए, तो हम लोग रिमार्किंग किए पिलर उलर गाड़े, जिसको गांव वाले कुछ लोग जिसके आगे अगुवाई कर रहे थे चुटाई सिंह, उदय सिंह और मुरारी सिंह, ये 3 आदमी लीडर आगे आगे थे जो अपशब्द भी बोल रहे थे और खूटा उटा कबार कर फेंक दिए हम लोग का। फिर बहुत सब हम लोग कोशिश किए, जबकि वह किसी का रैयती ज़मीन हम लोग नहीं कराए हैं, GM लैंड कराए हैं। कितना है ज़मीन? 3 एकड़। फिर भी हम लोग यही किए कि भाई कुछ हिस्सा अगर वो लोग खेती उती कर रहा हो तो उतना छोटा उतना छोड़िए कि हम लोग वर्क करेंगे। अच्छा। लेकिन उन लोग धमकी देने लगा हम लोग को, प्लस कभी कभी कोई कहे कि इतना पैसा देगा, ये करेगा, वो लेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हम लोग छोड़ दिए। लेकिन हम लोग को कुछ दिन पहले माइनिंग से नोटिस मिला करीब 2.5 लाख का डेड रेंट भरने के लिए, तो हम लोग डेड रेंट कहाँ से भरेंगे जब माइंस चल ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग प्रशासनिक ले के फिर सीमांकन करने के लिए CO और इसके पास दिए, तो वही सीमांकन कराने के लिए, तो वही फिर वही लोग विरोध कर रहा है जो धमकी देता था। हम पूरा गांव विरोध नहीं करता है, कुछ लोग विरोध करते हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा वो सब बुला कर लाता है, कोई विरोध नहीं है वैसा। उन लोगों का किसी का जमीन हम लोग 1 इंच नहीं, रैयती जमीन कोई कैसे किसी का कैसे ले लेगा? उन लोगों का जैसे कहना है कि अगल बगल मंदिर उन्दिर है वो सब बर्बाद। मंदिर उसमें नहीं है, और मंदिर को हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग मंदिर क्यों देवता किसी का छुएंगे? वो सब गलत। क्या उपाय करेंगे अगर मंदिर जाएगा तो? मंदिर अगर वो लोग जाएगा तो पहले जाएगा नहीं, और जाएगा जैसा वो लोग बोलेंगे बनवाने के लिए, हम लोग अपने इससे बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे। ग्राम का जो भी अगर विकास का कार्य होगा, हमसे जो सक्षम होगा वो हम लोग करेंगे। पेयजल सबसे संबंधित कितना लोग को रोजगार मिलने की संभावना? गाँव वालों को मिलेगा रोजगार? 50 से 100 लोग का रोजगार मिलेगा उसमें, उसी गाँव को। हाँ, तो बाहर से क्यों रखेंगे?